आ जा भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कैमरा मैन ऊपर को आ जाओ, आप थोड़ी सी वीडियो और दिखाते हैं अपने व्यूवर्स के लिए। आ जाओ भाई आ जाओ, छत पे आ रहे हैं आज हम, चलिए आ जाइए भाई भाई, ये छत हमारी खाली हो चुकी है, आओ भाई फटाफट से आ जाओ और करीब आ जाओ। ये आदम तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऋषि बटन स्टोर, कैसे हैं आप सभी लोग। आपने देखा जैसे कि अभी हमारे कैमरामैन थोड़ा सा कट्टा लेकर के आए, और हमारे पास जो है एक मज़रमेंट जिसे बोलते हैं मीटर, यानी कि इंची टेप, इसको हम डालते हैं गले में। और इसका आज सोच रहे हैं कि क्या पर्पस है, ऐसे किस वजह से आपका, आप तो गार्डनिंग रिलेटेड आप वीडियो अपलोड करते हैं, तो फिर इसका क्या मकसद है, आइए मैं इसका मकसद भी बताता हूँ। क्योंकि ये देखें, ये बैग आप देख रहे हैं, तो इस बैग को आप गौर से देखिए, बैग के ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसकी जो बोरी है उस पर लिखा हुआ है एग्रो स्टार। तो आप समझ सकते हैं कि हम जो है गार्डनिंग रिलेटेड ही कोई प्रोडक्ट जो है लाए हैं आप सभी के लिए। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है जिसे देख करके आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन नेट, शेड नेट भी बोलते हैं। तो वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में है। नेट की क्वालिटी कैसी है, नेट के प्राइस क्या है, और आप कैसे परचेस कर सकते हैं, वो सारी जानकारी दूंगा। और नेट कैसी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा खोल करके। और ये मैं लेकर के आया हूँ इसलिए क्योंकि मैं नाप करके भी देखूंगा, क्योंकि मैंने 10 मीटर लगभग लंबी और 6 मीटर लगभग चौड़ी, यानी कि 32 फिट इसकी जो है लेंथ है लंबाई, और इसकी जो चौड़ाई है वो है लगभग 18 फिट। तो हम इसको नापेंगे भी, इसलिए हम इसको लेकर के आए हैं। फिलहाल हम इसको कट्टे करते हैं ओपन, और ओपन करके जानते हैं कि इसकी नेट की क्वालिटी कैसी है, नेट लेना चाहिए आप लोगों को या नहीं लेना चाहिए। फटाफट से कैमरामैन दिखाएं इधर को, ये देखें एग्रो स्टार का टेप लगा हुआ है, और इसके अंदर क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। और इसको हम देते हैं इस तरीके से लॉट, और मेरे दोस्त निकल जा खुल जा सिम सिम। ये देखें, ये रही हमारी ग्रीन नेट, इस पॉलीथिन को रखते हैं दूर, और दूर रखने के बाद ये देखते हैं, ये निकली हमारी नेट 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 के अंदर कुछ और भी होगा मेरा। ये देखें एक प्रोडक्ट और भी है, फिलहाल पहले इसी को देख लेते हैं, उस पर नेट पे बैठ के देखता हूँ, काफ़ी मज़ा आ रहा है नेट पर। फिलहाल हम इसको खोल करके देखते हैं इसके अंदर क्या है। नेट तो हमने परचेस की है, उसके भी रेट बताऊँगा, क्योंकि मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया, नेट जो है काफ़ी महंगी थी। और इस नेट को ख़रीदने का जो मेन मकसद है वो क्या है, ये मैंने 50% वाली ख़रीदी है, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा भी टेम्परेचर नहीं है, 50% अच्छा रहेगा। परमानेंट मैं इसको लगाऊंगा, और ऐसा नहीं है कि आप इसे हटा भी दें, हटाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने 50% वाली मंगवाई है। और रही बात इसको ख़रीदने की, कि इसकी 5 दिन की, तो वैसे ही अगर कोई कटा पटा कुछ है अगर इसके अंदर, तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। और दूसरा एक बोनस ये है कि इसकी 1 महीने की गारंटी है, नेट की अगर कोई दिक्कत आ जाती है बाई चांस, तो आप इसको जो है रिप्लेस कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। ओ हो, ये क्या चीज़ है, ये तो फटा हुआ सा निकल रहा है, क्या चीज़ है, और 0-52-34 है, क्या है ये, NPK 0-52-34 ये है, ग्रोमोर का है 0-52-34। इसकी कॉस्ट क्या है अभी देखते हैं, इसको रखते हैं एक साइड। ये हमारा बिल रहा इसकी जो 0-52-34 की जो कॉस्ट है 280 रुपये है, ये दिखाते हैं कैमरामैन करीब से, 279 280 रुपये। और बाकी नेट जो है, नेट का भी मैं बताता हूँ आपको, इसकी नेट की जो कीमत है वो 1350 रुपये है इसकी, और 1350 के साथ ही इसमें मेरे कुछ कूपन थे, जो मैं एग्रो स्टार प्लस वाला जो ले लेता हूँ 100 रुपये का, वो 200 रुपये में रिडीम जो हो जाता है वो वाला है, तो उसको लेने के बहुत बड़े बेनिफिट भी हैं इसमें, और मैं उसी का लाभ लेता हूँ अक्सर। और अभी मैंने स्प्रे पंप भी ख़रीदा था, वो भी उसी के लाभ से ख़रीदा था मैंने, क्योंकि मेरे और हालांकि वो पंप मैंने सेल कर दिया है उस पंप को, क्योंकि वो 3500 का मुझको मिला था कूपन ओपन काट करके, डिस्काउंट काट के, तो 3500 का ही था, तो मुझे 1960 रुपये उसमें देना पड़े थे, बाकी मेरे कूपन ऐड हो गए थे, तो इसलिए वो मैंने बेच दिया। उसको मैं क्षमा चाहता हूँ आपको, उसका मैं जो व्यू नहीं करा पाऊँगा आपको दोबारा से, कि इसका यूज़ करने के बाद इसका रिस्पांस कैसा रहा। तो मैं आपको अभी बताऊँगा इसकी जो है क्वालिटी कैसी है, और कितनी लंबाई, बहुत लंबी जा रही है ये, तो देखें तो काफ़ी अच्छी है। और पहले तो मैं इसकी ये चौड़ाई ही नाप लेता हूँ,
आए कैमरा मैन इधर को आए। इसके अंदर एक अच्छी चीज़ क्या है, ये रिंग देखें, बीच बीच में रिंग दिखाएं कैमरा मैन, वो जहाँ अपने पैर के नीचे भी रिंग लगा हुआ था वो भी दिखाएं, करीब से दिखाएं ज़रा। ये रिंग जो है इसके कटे हुए हैं ताकि आप जो है जगह जगह पर बीच बीच में, ताकि आपको जो है कोई परेशानी ना हो इसको बांधने में। और ये लॉन्ग लास्टिंग है, पता नहीं 250 GSM करके कुछ HDPE करके है, ये अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है देखें, और खींचने में भी नहीं आ रहा, ये अच्छा है फ़िलहाल, मुझे तो ये फ़िलहाल अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको नापता हूँ, ये देखें यहाँ पर कैमरा मैन दिखाएं, एक तय, दूसरी तय, और दो ये हैं डबल डबल, ये हैं, ये चार तय हैं। तो हम इन चारों को अब जो है नाप करके देखते हैं कि वाकई में ये जो है हमारा कितना बैठता है। ये बिल्कुल 1.5 मीटर से थोड़ा सा कम है, नहीं 1.5 मीटर के करीब ही जा रहा है, यानी कि इसमें 1 मीटर में ये पूरा 5 फिट का है ये। हाँ सही है बिल्कुल, 5 यानी कि 4 लय हैं, 4×5 = 20, 20 मीटर हो जाएगा, मगर इतना कम है, 18 मीटर है, तो 18 मीटर में यानी कि इतना 5 इंच यानी कि 6 इंच, एक हाँ ये पूरा 18 फिट है, ये मेरा इस तरीके से आ जाएगा। मैं आपको एक बार बतौर सैंपल दिखा देता हूँ, कैमरा मैन जरा ये वाला छोड़ उधर लेकर जाए उस वाले कोने पर को, और हम ये भी चेक हो जाएगा हमारा उस वाली दीवार के कोने से मिलाएं, उस वाले कोने से मिलाएं और मिलाएं, वाकई ये मेरे बिल्कुल जो है ठीक है चौड़ाई इसकी। देखें यहाँ से मेरा जो है ये, यहाँ से मेरा यहाँ से, और उधर भी दिखाएं कैमरा मैन उधर की दीवार, मोबाइल के अंदर दिखाएं वहाँ पर आप कहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ तक आप देखें वहाँ तक पूरा ही जा रहा है, ये मेरा निकला हुआ है यहाँ तक, देखें यहाँ से जब मैं इसको लगाऊंगा ये पूरा मेरा आ रहा है यहाँ तक। चलिए दिखाएं इधर को कैमरा मैन, ज़रा इधर को दिखाएं ज़रा वीडियो व्यू, इधर को, इधर मेरी तरफ को, ये तो हो गया मेरा इसकी चौड़ाई। अब इसकी लंबाई भी नाप लेते हैं एक बार से, यहाँ से इसकी लंबाई का जो है लगाते हैं अंदाज़ा कि कितनी है इसकी लंबाई। नेट बहुत पसंद आई मुझे, लाइट वेट है इसकी, 6 किलो का वज़न है, 5 किलो वज़न है इस नेट का। तो अब हम इसको नापते हैं कि ये वाकई में 32 फिट चौड़ी है या नहीं। ये देखें ये हो गया हमारा 5 फिट, 5 फिट ये हो गया 5, पाँच 10, ये 10 हो गया, इधर से दिखा कैमरा मुझे अच्छे से देखा व्यू, 10 और 5 ये 15 हो गया यहाँ पे। अब ये देखते हैं 15 और 5 = 20, 20, अरे मेरे अल्लाह मुझे लग रहा है काफ़ी है लंबी, 20 और 5 25 हो गई यहाँ तक। कैमरा मैन जरा पीछे जाके खींचे इसे, एक मिनट रुका, 25 और 5 पूरा आ गया ये 30, और खींचना जरा थोड़ा सा और खींचो, ये आ गया हमारा 30 और 12 × 24, और खींचो थोड़ा सा, 32 फिट होना चाहिए, 24 इंच अगर हमारा है, इधर आओ जरा, अरे 30 × 32 = 36 × 12 = 48, ये लगभग जो है 32 से भी ज़्यादा है, ये हमारा है लगभग 34 ऐसे ही है लगभग 34 फिट, जो कि मेरी यहाँ से दिखाएं कैमरा मैन, अब मैं दिखाता हूँ आपको व्यू करा करके। ये देखें ये मेरी जो जगह है, यहाँ से जो लगेगा यहाँ से वहाँ तक जो है वो 18 फिट की, मतलब मेरी जगह जो है वो 19 फिट है, पर इसकी लेंथ जो है 18.5 के करीब है पक्की, और 18.5 के साथ साथ हमारा जो है ये वाली जो हमारी लेंथ है, ये वाली जहाँ से हम लगाएंगे और यहाँ तक लगाने वाले हैं, तो इसकी जो है वो मेरी पूरी की पूरी 30 फिट है, 30 से 32 फिट के करीब है।
तो मैं जो है यहाँ से लगाने वाला हूँ ऊपर से, और इसको ग्रीन नेट के जो है इंतज़ाम करूँगा मैं, ताकि मेरे काफ़ी सारे पौधे बर्न हुए जैसा कि देख पा रहे हैं आप। उस गमले में ही मेरे खाली पड़े हुए हैं, अभी मैं लगाया नहीं है मैंने गुलाबों को ला करके, ये भी मेरे खाली पड़े हुए हैं। लगभग 40 से 45 गुलाब मेरे बर्बाद हो गए थे। और ये नेट देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का नेट है, कहीं से भी कोई कटा फटा नहीं है, और बेहतर लगा मुझे। अब मैं अब इंतज़ाम करूँगा बाँस का, क्योंकि मैंने अभी एक अपने जानने वाले करीबी व्यक्तियों से थोड़ा सा मशवरा लिया कि लोहे के एंगल लगवा लूँ, तो वो बोले अभी लोहे के एंगल आप ना लगाएं, क्योंकि लोहे के एंगल से थोड़ा सा ये रहेगा कि जो है थोड़ा सा हिलते डुलते ज़्यादा हैं, वो लपकते हैं थोड़ा सा, और बाँस जो है थोड़ा पुख्ता रहेगा। और एक चीज़ और भी है, दूसरी चीज़, क्योंकि वो बजट में भी आ जाएगा। तो दोस्तों ये बजट में जब आ जाएगा तो जाहिर सी बात है बांस सस्ते पड़ेंगे मुझको, और वो जो है मुझे काफ़ी महंगा पड़ने वाला है लोहे का एंगल अगर मैं लगाऊंगा। एक एंगल मेरा पड़ेगा लगभग 1,500 से 2,000 के करीब, क्योंकि भारी में लेना है, हल्के में अगर लगाएंगे तब भी बेकार है उसे लगाना, फिर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो अनबॉक्सिंग, जैसा भी आपको अच्छा लगा हो या कुछ नॉलेज मिली हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप ख़रीदना चाहते हैं इस नेट को, तो डिस्क्रिप्शन में जो है मैं इसका लिंक दे दूँगा। और आपको एक चीज़ और बताऊँ, मैं आपको यूट्यूब ने भी अपना एक शॉपिंग पोर्टल खोल दिया है, तो आपको जो मैं वीडियो जब मैं डालूँगा, जब मैं आपको वीडियो के नीचे ही बराबर में प्रोडक्ट का जो ऑप्शन आता होगा वीडियो को ऊपर ही डिस्प्ले पर ही, तो आप वहाँ पर भी जा करके क्लिक करके जा सकते हैं, वहाँ से भी बाय कर सकते हैं आप नेट को। हर तरीके की नेट मिल जाएगी, मैं आपको दे दूँगा वहाँ पर, और तरीके की मिलेगी। फ़िलहाल ये वाली जो नेट है जो मैंने आपको दिखाई, 32 फिट लंबाई है इसकी, 18 फिट जो है इसकी चौड़ाई है। तो अगर आपके ये काम की है, 50% शेड है, 1,350 रुपये में आपको अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपके यहाँ कुछ कूपन ओपन हैं तो आपको थोड़ी सस्ती मिल जाएगी। और इसको मैं लगाऊंगा इंशाल्लाह ताला कल 2-3 दिन के अंदर मैं इसको जो है लगा दूंगा। जब लगाऊंगा तब आपके साथ इसका वीडियो जरूर शेयर करूँगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों खुदा हाफिज़।